वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मैथमेटिक फॉर केमिस्ट्री के लिए सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर्स में डेफिनेशंस पूछी गई हैं वो ना तो बुक में मिल रही है ना इंटरनेट पे कोई सोर्स मिल रहा है उसका, तो मैं उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो सारे टॉपिक्स आपके साथ शेयर नहीं हो पाएंगे, तो मैं ऊपर से आपको बता देती हूँ कि इन टॉपिक्स में है क्या। क्रॉस प्रोडक्ट एंड ट्रिपल प्रोडक्ट है जो वो फर्स्ट चैप्टर में और फर्स्ट यूनिट में ही आ जाता है, और इसके जो सम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेनली आपसे डेफिनेशन में क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाएगा और डॉट पूछा जाएगा, और जो सम्स हैं उसमें ट्रिपल प्रोडक्ट ही पूछा जाएगा। सो डेफिनेशन में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट एंड जो सम होंगे वो ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। इसकी थ्योरम भी आ सकती है आपसे, एज इट और डेफिनेशन तो आ ही गई है, आपने देखा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एक मेथड होता है रिलेट करने का दो वेक्टर्स को। क्रॉस प्रोडक्ट को ए इंटू बी से डिफाइन किया जाता है, जो परपेंडिकुलर होते हैं ए और बी से, जिसको हम इस डायग्राम के साथ भी मेंशन करेंगे। ए बी सी और सेंटर में आ गया थीटा, सी इज इक्वल ए इंटू बी ए बी साइन थीटा। फिर इसका यूज़ पूछा गया है केमिस्ट्री में, क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट, जो इन्वॉल्व होता है डेफिनेशन इन द एंगुलर मोमेंटम, जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। सो क्रॉस प्रोडक्ट इस चीज़ में यूज़ होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, आई कैप जे कैप एंड के कैप, जिसमें जो बाहर रहेगा यू इंटू वी है। तो यू का वेरिएबल्स ये हैं, वी के वेरिएबल्स ये हैं। कॉलम और रो में इनको अरेंज करके दिखाया है किसको, क्रॉस प्रोडक्ट को। डॉट प्रोडक्ट को हम अल्जेब्रिकली वो होता है जो सम होता है टू सीक्वेंसेस का, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स, जिसको कोसाइन एंगल बिटवीन दैम एंगल्स के जो होता है वैक्टर उनका सम को हम बोल देते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम डॉट मेंशन किए, आप देख सकते हो आई जे जे पॉइंट आई के पॉइंट के इज इक्वल टू आई। तो वेक्टर ऑफ अ वन लेंथ डॉट प्रोडक्ट गिव स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी देते हैं और राइट हैंड रूल में यूज होते हैं। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री की बात करें क्यों उनका रोल है, तो ये केमिस्ट्री में इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और हम जो भी डेरिवेशंस करते हैं उस पर राइट हैंड रूल होता है, तो सारी डेरिवेशंस में ये प्रोबेबली आ जाता है डॉट प्रोडक्ट, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। सो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आ गया यहाँ पे, तो इसका जो है आपने दो टाइप्स बतानी है, फिर उसके बाद उनको एक्सप्लेन करना है कि ये होती क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। सो इनका स्क्रीनशॉट आप रख लो और इसको अच्छे से समझ लो। ट्रिपलेट प्रोडक्ट के तो रिलेटेड सम भी आ जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो थ्री नॉन जीरो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है इसे हम ट्रिपलेट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। जो स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट है उसकी थ्योरम होती है, तो थ्योरम भी आ सकती है और उसके रिलेटेड सम भी आ जाते हैं। अगर आपने थ्योरम कर ली तो सम आपके लिए इजी रह जाता है। अगर ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर देन ट्रिपलेट प्रोडक्ट, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट को हम ए इंटू बी इंटू सी, मतलब स्केलर में जो है वो पॉइंट आ जाता है और वेक्टर में मल्टीपल के साइन ही आते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो आपको नेम से ही आइडिया हो गया होगा इसका। तो यूजेस की बात करें, जो वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट है वो यूज़ होता है लैंग्वेज फॉर मेथड में, लैंग्वेज अनडिटर्मिंड मेथड जो फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली, जो मैथमेटिक का कोई भी आपसे पूछ सकते हैं रोल, तो आप मेन रोल होता है कि वो फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो सारा थियोरेटिकल होता है, डेरिवेशंस में ही मैथमेटिकल कंसेप्ट आ जाते हैं। तो आपने बिना सोचे ये बोल देना कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी बाई चांस किसी डेफिनेशन का नहीं पता चल रहा, तो आपने बोलना कि डेरिवेशंस में या हम मैथमेटिक यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन में से आपसे मैट्रिक्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं, वो सिंपल होते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन डेफिनेशंस की बात है तो डेफिनेशंस बहुत ही स्कोरिंग हो जाती हैं, क्योंकि बायो के स्टूडेंट्स हैं तो सम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डेफिनेशंस बहुत ही स्कोरिंग होती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सम या फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते हैं। तो डेफिनेशंस को ज़रूर प्रेफर करिए, उसमें एग्जाम्पल भी ज़रूर दीजिए, उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने मैथ कितना रिवाइज किया है।
तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि ये आप खुद ही बोलोगे कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हैं, उनका ही सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ। आपको प्रूफ के साथ लास्ट में मैं दिखा भी दूँगी। मैट्रिक्स इक्वेशन तो वो इक्वेशन होती है ना जो किसी वेरिएबल के लिए स्टैंड करती है, ठीक है। इसमें क्या है, आप एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, और ये इसी केस में होती है जब डायमेंशन सेम हो। तो डायमेंशन सेम मतलब अगर उधर आपके पास दो कॉलम और दो रो हैं तो सेकंड जिसके साथ मल्टीप्लाई करो उसमें भी दो रो और दो कॉलम ही होने चाहिए, अदरवाइज वो अनडिफाइंड हो जाती है मैट्रिक्स इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स इक्वेशन भी होती है जिसको हम एक्स इजिकल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। ये कैसे मिलती है, मैट्रिक्स का इन्वर्स करके हमको ये ऑब्टेन होती है। मैट्रिक्स इक्वेशन को लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन को आपने जो लिखना है, सॉल्व करना है, उसका मेथड ये है। तो यहाँ पे आप मेथड पहले लिख लेना कि ये मेथड है, मैं ही लिख देती हूँ तो क्योंकि स्क्रीन शॉट में तो वैसे ही आ जाएगा। सो दिस इज अ मेथड, ओके, कि कैसे मैट्रिक्स इक्वेशन को जब लिखते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, फिर कैसे रो लेनी है और कैसे कॉलम लेनी है, और लेफ्ट में किस चीज़ को रखना है, इन्वर्स मैट्रिक्स में क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, किसको कोफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई करना है या वेरिएबल को, तो सारा ये बताया हुआ है इस चीज़ में। फिर हम एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको बताया गया कि ऐसे करके हम जो है मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं कि मैट्रिक्स इक्वेशन को क्यों बनाया गया है, उस केमिस्ट्री में इसकी क्या मतलब कि यूजेस क्या हैं। तो वो है बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशंस को ये बनाई गई है, और यहाँ पे मेरे पूरा नहीं आया था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। इफेक्ट इज टू बिल्ड कोलैबोरेशन कर्व यूजिंग स्टैंडर्ड सैंपल विद नो एनालाइट आइनिक विच बी ट्राई टू अप्रोक्सीमेट द मैट्रिक्स ऑफ सैंपल एज मच एज पॉसिबल। दिस स्पेशली इंपॉर्टेंट सॉलिड सैंपल व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स इन्फ्लुएंस। देख लेते हैं वेक्टर एंड डॉट जो है उसको एग्जांपल के साथ आपने एक्सप्लेन करना है। वेक्टर क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है जो फुल डिस्क्राइब करती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। एग्जांपल में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास सब आ जाता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है एंगल को पता करने के लिए, दो वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल है। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये कम्यूनिटेटिव लॉ है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन इज मैक्सिमम। अगर सेम डायरेक्शन में तो वो मैक्सिमम होगा। इट डज नॉट फॉलो राइट हैंड सिस्टम, इट इज़ यूज टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। सो टाइम कम है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप अगर कोई आपको टॉपिक आप खुद समझ के देखना, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट्स में बोलना, उसके लिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन डिटेल में कर दूँगी। फिलहाल तो टाइम कम है इसलिए नोट्स ही शेयर कर रही हूँ और ऊपर से बता रही हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन मीनिंग, तो उसमें आपने ये पूरी डेरिवेशन के फॉर्म में ही एक्सप्लेन करना है, तो बाद में ये सारा आप लिखोगे थ्योरी पार्ट आ जाता है, फिर थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। तो इसको पार्शियल डेरिवेशन बोलते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम एंड आई होप दिस वीडियो विल बी कंसिडर हेल्पफुल फॉर यू। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, और भी कंप्यूटर के नोट्स मैं शेयर करूँगी तो मेरे साथ कनेक्टेड रहना, क्योंकि अब मैं सीरियसली वो टॉपिक्स जो आपने कमेंट्स किए हैं वो लेके आऊँगी। सो कनेक्टेड रहिए। जा सकता है एडिशन ऑफ मैट्राइसिस क्या होता है। एडिशन मतलब जिस मैट्रिक्स में ऐड हो, ये वाली मैट्रिक्स इसमें ऐड हो रही है और हमें ये रिजल्टेंट मिल रहा है, उसको एडिशन ऑफ मैट्राइसिस बोलते हैं। जिसमें दो मैट्राइसिस ऐड होके एक रिजल्ट दें उसको एडिशन ऑफ मैट्राइसिस बोलते हैं, और उसको हम जब ऐड करना तो हमें देखना है कि उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, मतलब रो और कॉलम अपने आप में और जिसके साथ वो ऐड हो रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, और इसलिए ही वो डिफाइंड होगा। अदरवाइज़ अगर डायमेंशन अलग है तो जो एडिशन ऑफ मैट्राइसिस है वो अनडिफाइंड होगा।